नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन। ये हमको प्रूफ करना है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। पहले इसको प्रूफ करेंगे, उसके लास्ट बाद में हम इनकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रूफ करते हैं, हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। क्या प्रूफ किया था प्रीवियस लेक्चर में? हमने डिस्कस किया था ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन के बराबर होता है ये। ओके, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए एक वैल्यू है, इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? हम ऑन बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लेते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या बना आपका? ओके, प्रॉपर्टी क्या थी डिटरमिनेंट की? अगर डिटरमिनेंट से कोई एलिमेंट कॉमन निकाल रहे हैं तो इसकी रो वाइज निकालेंगे या कॉलम वाइज निकालेंगे? रो वाइज निकालेंगे तो हर रो से निकालना होगा, कॉलम वाइज निकालेंगे तो हर कॉलम से निकालना होगा। यहाँ पर हमारे पास nth रो है या nth कॉलम है, तो अगर ईच रो से अगर आप डिटरमिनेंट कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा आपको? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n। देन वी से डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n, विच इज आइडेंटिटी की डिटरमिनेंट हमेशा वन होता है। ओके, प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? ए बी का डिटरमिनेंट निकालने हैं, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, देन वी से एडजॉइंट ऑफ ए दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन। यही हमारा रिजल्ट था। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, वन मार्क्स में अक्सर क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ओके, नेक्स्ट थ्योरम में चलते हैं, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम।